Assalamualaikum, मैं हूँ तहमीना यासर, क्लिनिकल साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे जज्बात के हवाले से कि हम अपने जज्बात को तब्दील कैसे कर सकते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। एंथनी रॉबिन्स ने एक वाक्या बयान किया जिसमें उसने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कि वो लोगों को सेशन दे रहा था और उसके पास ही एक रेलवे लाइन थी जिसपे एक ट्रेन जो है वो कुछ ही वक्त के बाद गुजरती थी और उसकी विसल सुनाई देती थी। लोग मुतवज्जे होते थे उसकी बातों की तरफ, लेकिन जैसे ही विसल सुनाई देती तो वो लोग जो है उस विसल की वजह से डिस्टर्ब हो जाते और अनॉयड हो जाते। वो फिर तंग होते कि ये क्या आवाज़ आ रही है। जब दो तीन दफ़ा उसने देखा कि ये आवाज़ आती है और लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो उसने सोचा कि मैं अब लोगों के जज्बात को चेंज करने का तरीका उन्हें सिखाता हूँ। उसने उन्हें समझाया कि अब जब भी आपको विसल की आवाज़ आएगी तो आपने इस आवाज़ पे कहकहे लगाना शुरू कर देने, हंसना शुरू कर देना, खुश होना शुरू कर देना। तो उन सब लोगों ने इसके ऊपर अमल करना शुरू किया। जब नेक्स्ट टाइम आवाज़ आई विसल की, ट्रेन पास से गुजरी, तो उन सब ने कह के लगाना शुरू कर दिए। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, जैसे ही दो तीन दफ़ा उन्होंने ये अमल किया तो उनकी जो टेंशन थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। जो वो अनॉयड होते थे उस आवाज़ से वो ख़त्म होना शुरू हो गए और उसके साथ ही साथ उनको उसके साथ खुशी महसूस होना शुरू हो गई। तो ये तरीका जो है, इससे हमें पता चलता है कि हम अपने जज्बात को खुद तब्दील कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे जज्बात जो हैं वो किसी वजह से हमें महसूस होते तो हैं, लेकिन उनको हमने महसूस कैसे करना है ये हमारे अपने सोचने का अंदाज़ होता है। तो सपोज़ कि इसी तरह से आपको किसी ने कोई गलत बात कह दी, क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो आप उसके ऊपर एकदम से अनॉयड हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो। तो आप अपने जहन को इस पर तैयार कर लो कि अब कोई मुझे इस तरह से कहेगा तो मैंने उस पर गुस्से में नहीं आना, मैं उसके साथ आर्ग्यू कर सकता हूँ, मैं उसके साथ अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, जो भी करूँ करूँ, लेकिन मैंने गुस्से में नहीं आना। तो आप अगर ये काम करना शुरू कर दो तो दो चार दफ़ा, छः दफ़ा की प्रैक्टिस से आपका जो गुस्से का जज्बा है ये इसका इजहार बदलना शुरू हो जाएगा और ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो हमें अपने जज्बात को काबू में करना है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है।